वर्चुअल इमेज में लाइट की रे जो है वो आपस में कट नहीं करेंगी, रियल इमेज में जो है वो आपस में कट करेंगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज में साइन कैसा रहेगा हमेशा? पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। और रियल इमेज जो बनेगा वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, ठीक है। अगर और मिरर की बात करें तो डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर, वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव। और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर और कार की और गाड़ी की हेडलाइट में कौन सी मिरर यूज होगी? कौन सा यूज होगा? कॉनवेक्स होगा, कॉनकेव होगा, उल्टा कर दिए सब, कॉनकेव होगा हेडलाइट में, ठीक है। कॉनकेव होगा तभी तो फोकस करा पाएगा, ठीक है। जबकि साइड मिरर में जो होता है वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। साइड में कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। और कॉनकेव जो होता है वो फोकस कराता है एक ही जगह पे, इसीलिए सोलर पैनल वगैरह में भी कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव ही यूज होता है, ठीक है। लेंस की बात करें तो टू ट्रांसपेरेंट इसमें सर्फेसेज होती हैं जो कि क्या होंगी? जॉइंट होंगी, और इनका जो वर्क होगा वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कौन सा होता है? कन्वर्जिंग होगा, और कॉनकेव जो होगा वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। अगर किसी लेंस को कट कर दिया जाए हॉरिजॉन्टली, कैसा कट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद में उसकी थिकनेस जो है वो वही रहने वाली है, इस वजह से उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। किसी लेंस को हॉरिजॉन्टल, जैसे लेंस है हॉरिजॉन्टल कट कर देंगे तो उसकी थिकनेस वही रहेगी, इसलिए फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन अपर्चर क्या हो जाएगा? कम। इस वजह से जो इमेज की ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी? कम। अपर्चर जितना ज्यादा रहेगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा, इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा रहेगा, अपर्चर जितना कम इंटेंसिटी उतना कम। तो हॉरिजॉन्टल कट करने पे क्या होगा कि फोकल लेंथ जो है वो सेम रहेगा, फोकल लेंथ सेम रहेगा तो पावर सेम रहेगा, इंटेंसिटी जो है इमेज की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर वर्टिकल कट करेंगे लेंस को, तो वर्टिकल कट करने के बाद में क्या होगा कि उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? लेंस की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। थिकनेस हाफ होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। टेंथ में तो वो फार्मूला दे नहीं रखा है, लेकिन ट्वेल्थ में वो फार्मूला मिलेगा, ठीक है। वन अपन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन आर वन माइनस वन अपन आर टू, एक फार्मूला होता है, वहां से ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल कट करेंगे तो वर्टिकल कट करने के बाद में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? अपना डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। प्लेन मिरर में हमेशा फोकल लेंथ क्या रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। फार्मूले की बात करें तो मिरर फार्मूला क्या होता है? वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन वी प्लस वन अपन यू। मैग्नीफिकेशन की बात करें, एम इक्वल टू माइनस वी अपन यू आई अपन ओ, मायो याद रखेंगे, मायो, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन के साथ रहेगा। लेंस में बात करें तो वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन वी माइनस वन अपन यू, और वहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस पॉजिटिव में रहेगा, वी अपन यू या फिर मायो, और एच अपन एच डैश भी कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम। एयर वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका किसका ध्यान रखना है? रिफ्रेक्टिव अपने को ध्यान रखना है ग्लास का, कितना होता है? 1.5। और किसका ध्यान रखना है? वाटर का, 1.33, ठीक है। ये चीज, फिर ये चीजें हो गई। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कि इमेज के साइज को इनलार्ज करना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब कितने टाइम्स उसके एक्चुअल साइज से बढ़ा के दिखाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल। पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वन अपन एफ, या फिर बोले फोकल इज इक्वल टू वन अपन पी। और यूनिट क्या हो जाएगा पावर का? डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में हमने बताया था कि ह्यूमन आई जो होता है इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन रहेगा क्या कहलाएगा? स्क्लेरा कहलाएगा, ठीक है। ऐसे सफेद और ऐसे स्क्लेरा, व्हाइट वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। सी से कवरिंग, सी से कॉर्निया, ठीक है। सी से कवरिंग, सी से कॉर्निया, ठीक है। फिर प्यूपिल होता है और लेंस होता है। लेंस कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। कौन सा? कॉन्वेक्स। प्यूपिल होता है ब्लैक पोर्शन जो सेंटर पे होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और प्यूपिल के ऊपर शटर का काम कौन करता है? आयरिस। कौन करता है? आयरिस। आयरिस ही कम ज्यादा होकर क्या करता है? कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, लाइट के अमाउंट को, कि कितना लाइट जो है वो पास होगा थ्रू द लेंस, जाके कहां टकराएगा? रेटिना पे टकराएगा। रेटिना पे ऑप्टिक नर्व्स होती है। ऑप्टिक नर्व्स के पास में ही क्या होता है? ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर दिखाई नहीं देगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन उसी से थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल सेंटर की तरफ एक और स्पॉट होता है, येलो स्पॉट बोलते हैं। वहां पे सबसे क्लियर लाइट इमेज का फॉर्मेशन होता है। येलो स्पॉट बिल्कुल सेंटर पे होता है रेटिना के, और जबकि जो ब्लाइंड स्पॉट है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। और कहां पे होगा? वो जहां से ऑप्टिक नर्व्स अराइजेस होंगी। तो येलो स्पॉट पे सबसे ब्राइट इमेज बनेगा, और ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आंख से पूछा जाएगा। इसके अलावा बीमारी जो होती है आपसे रिलेटेड वो कौन कौन सी हो सकेगा? मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, प्रेस बायोपिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म क्या होता है बेटा? दो प्लेन रहेगा इसमें, और कैसा? ट्रांसपेरेंट सर्फेस रहेगा जो कि किसी एक एंगल पे अरेंज होगा, और इसकी प्रॉपर्टी होगी लाइट को डिस्पर्स करने की। लाइट को डिस्पर्स कर देगा, व्हाइट लाइट को सेवन कलर में स्केटर्ड कर देगा, अलग अलग कर देगा। सेवन कलर जो होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे? विबग्योर। विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होगी। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की होगी। सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की होगी, ठीक है।
अच्छा, इसीलिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि सुबह और शाम के टाइम में सन जो है वो रेड क्यों दिखाई देता है। सुबह और शाम के टाइम में अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में सन लाइट रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम पे सन जो है हमारे अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की हमारे अर्थ तक हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। इस वजह से हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, सनराइज सनसेट हो तो गया। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या समझेंगे अभी के लिए, वोल्टेज ही समझेंगे। क्या समझेंगे, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब हो गया वोल्टेज, डिफरेंस का मतलब हो गया क्या उसमें वेरिएशन है, दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का वेरिएशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ क्या कहता था कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वो डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज सप्लाई की जा रही है, अगर उसका फिजिकल पैरामीटर सेम रखा जाए, कॉन्स्टेंट रखा जाए। मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड इन इट इफ फिजिकल पैरामीटर इज कांस्टेंट। फिजिकल पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, टेंपरेचर हो गया, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट रखी जाएं, वो वेरी ना करे करंट के फ्लो होने से, तो हमेशा कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज पास किया जा रहा है। जितना ज्यादा वोल्टेज पास किया जाएगा करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। फिर इसके बात करेंगे, कॉम्बिनेशन आप उस रजिस्टर का दो तरह से होगा, सीरीज होगा और पैरेलल होगा। अगर सीरीज में होगा तो सिंपली R इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल होगा तो 1/R1 + 1/R2। ठीक है, सीरीज में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जबकि पैरेलल में जब होगा तो करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। घरों में वायरिंग जो होती है कैसी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। फैक्टर्स ऑन विद रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो सिंपली हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, R इक्वल टू रो एल अपान ए, R इक्वल टू रो एल अपान ए। कौन कौन आया, रेजिस्टिविटी तो देखिए अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, वो तो छोड़ो उसको कांस्टेंट वैल्यू है। लेंथ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन। एक चीज और ध्यान रखना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, जबकि सेमी कंडक्टर में बढ़ जाता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा कि जब भी किसी करंट का फ्लो होता है किसी वायर के थ्रू, तो वो वायर जो है वो क्या करेगा, हीट अप करेगा। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्या क्या सब बना दिया गया, हीटर बना दिया गया, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया गया, टोस्टर बना दिया गया, गीजर बना गया, ये सारी चीजें बना दी गई। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होगा क्या यूज किया जाएगा, टंगस्टन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, टंगस्टन यूज किया जाएगा। ठीक है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करेगा और ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी, कम क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी। ये टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और नाइक्रोम की बात करें जो कि टोस्टर में यूज होगा, नाइक्रोम हीटर में यूज होगा और इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज होगा। नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टी थी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है और लाइट कम प्रोड्यूस करती है। फार्मूला की बात करें तो H इक्वल टू I²RT, H इक्वल टू I²RT। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, V×I। और इसी से हम तीनों फार्मूले को अलग अलग निकाल लेंगे, फिर जैसा भी न्यूमेरिकल होगा उस हिसाब से फार्मूले को रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम बात करें कि कितना बिजली के बिल वाला क्वेश्चन की बात कर लें अगर, तो हमको मालूम है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क करने से क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी और एनर्जी खर्च करेंगे तो वर्क होगा, तो पावर हो जाएगा E/T और E हो जाएगा P×T। तो अब पावर जो भी होगा उसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे और अपना एनर्जी पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा है, उसको किलो जूल में चेंज कर लेंगे, यूनिट पता चल जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, और डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितने दिन का है वो भी अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसी वायर के थ्रू होता है तो चारों ओर एक फील्ड बनती है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जब भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू तो चारों ओर एक फील्ड बनेगा जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, अ फील्ड इन विच एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना वो फोर्स लगा रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग जो लाइन ड्रा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से राइज होंगी, नॉर्थ पोल से राइज होंगी। कहाँ को जाएंगी, साउथ पोल्स को जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ पोल्स में जाएंगी। एन से नॉर्थ, एन से निकलना, साउथ एस से साउथ, एस से समाना, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ, अंदर की तरफ उल्टा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमेशा पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, कम होती हैं, सेम ही होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा होती है, पास पास ज्यादा होती हैं। लाइंस तो बराबर ही रहेंगी किसी भी पॉइंट पे, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, पास पास रहती है, इस वजह से इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, किसी भी वायर के थ्रू जब करंट का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे और जो हमारे फिंगर से वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देंगे।
अब उसी स्टेट करंट करंट कंडक्टर को अगर हम मोड़ दें तो इसे क्या बोल देंगे, सर्कुलर कॉइल बोल देंगे। वहां पे भी हम सेम फिनोमेना यूज करेंगे और सर्कुलर कॉइल में जब करंट का फ्लो होगा तो वहां पे भी देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वहां भी नॉर्थ और साउथ पोल की तरह वो बिहेव करेगा। और उसको हम पूरी तरीके से एक रॉड वगैरह भी उसमें डाल दें और सॉफ्ट आयरन का, उसके बाद उसको क्या बोल देंगे, सॉलिनॉइड बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, सॉलिनॉइड बोल देंगे। अब करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ, ये सारी चीजें, तो उसके लिए अपने को सीधा सीधा फार्मूला याद है, B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अभी के लिए इग्नोर कर दो, आई एल आ जाएगा ना, आई एल। और एक फार्मूला और पढ़े थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 आर। ठीक है, तो यहाँ से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, रेडियस को घटाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला से ही अपना सारा हो जाएगा। ठीक है, फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हमारा जब हम अपने तीनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, रेक्टेंगल पर रखेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे, तो हमेशा सेंटर फिगर जो है वो करंट को बताएगा और थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, तो सी से करंट, सी से सेंटर फिंगर और थंब से हम लोग ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इस वजह से थंब क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, बचा गया इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर को उसी के डायरेक्शन रखते हैं, तो बचा हुआ क्या, सेंटर फिंगर और थंब, थंब बता देगा फोर्स, सेंटर फिंगर देगा करंट का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, फिर हमने बताया था लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज कहां पे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कहां पे करेंगे, लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या प्ले ऑन करेंगे, मोटर, तो मोटर में लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और जनरेटर में राइट हैंड यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर डायरेक्ट करेंट, अल्टरनेटिंग करंट में कौन खतरनाक होगा, अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है, एसी बोलते हैं, डीसी को फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा है, एसी है, वोल्टेज होता है 220 से 240 वोल्ट, हमेशा में अमेरिका में कितना होता है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज़, अमेरिका में कितना होता है 60 हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रेवल कराया जाता है, एसी को कराया जाता है, कम डिस्टेंस के लिए डीसी, किसको स्टोर कर सकते हैं, डीसी को, एसी को स्टोर नहीं कर सकते, एसी को डीसी में चेंज करके देन स्टोर किया जाता है, एसी को डीसी में चेंज करके फिर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, पैरेलल होता है, कैसा होगा, पैरेलल होगा, हो गया, लाइव न्यूट्रल वायर देख लीजिए बेटा, वायरिंग जो होती है उसमें तीन तरह के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर जिसको फेस वायर भी बोलते हैं, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है। लाइव वायर और फेस वायर जो होता है, मेन वायर भी इसी को बोला जाता है, करंट का फ्लो इसी में से होगा, वोल्टेज की सप्लाई जो होगी इसी से आएगी और न्यूट्रल से वापस जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो हाई वोल्टेज का डिमांड होता है जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, उसमें करंट का लीक भी हो जाता है, उस लीक होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इस वजह से एक और एक्स्ट्रा वायर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वायर। और फेज वायर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, फेज वायर का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर ब्लैक और अदर कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन फेज वायर के लिए हमेशा कौन सा यूज करेंगे, रेड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फेज वायर से ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसमें वोल्टेज की सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और कोई टॉपिक, पॉज कर लीजिए, घूमते रहते हैं, और टॉपिक, फ्यूज वायर में बताएं, फ्यूज वायर को यूज किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। अब तो एमसीबी वगैरह यूज होने लगा है, एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज वायर का, फ्यूज वायर जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। ठीक है, और जब वो हीटअप होता है देन वो ब्रेक कर जाएगा और करंट के सप्लाई को रोक देगा। और बताओ, हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अभी जैसे एक मान लो एक रोड है, उस वन वे रोड है और उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ जाने लगेंगी तो सब रोड पे थोड़ी ना चल पाएंगे, कुछ नीचे चलने लगेंगी, उसमें लड़ेंगी भिड़ेंगी सब कुछ होगा। तो उसी तरह से वायर में भी होता है, एक वायर की लिमिटेड थिकनेस है, इतने करंट का फ्लो उसमें हो सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इतने चार्ज उसमें फ्लो होगा, लेकिन अगर क्या हो कि उसी में बहुत ज़्यादा वायर आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर लिए जाएँ तो क्या होगा कि बहुत सारा अमाउंट में करंट का फ्लो होने लग जाएगा और वो वायर की थिकनेस कम है, वो बेयर ही नहीं कर पाएगा, तो इसी को क्या बोल देंगे, ओवरलोडिंग बोल देंगे, देन वो क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और बोलो भाई।